Welcome to Maths Educators YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. Hello students, कैसे हो? बढ़िया. चलो अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और फिफ्थ सम. चलो क्या दिया गया है देखते हैं. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस और नंबर्स ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है बच्चों. ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो हमारे पास ए क्या है. तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं ए. ओके, एक्स के साथ जो होता है यानी कि यू के साथ जो है उसको हम बोलेंगे बी. और कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं. दिख रहा है बच्चों आपको कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा ना. ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेशन हमारे पास क्या है तो कि 4u² + 8u इसके इक्वल क्या होगा, नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड कर रहे हैं तो p ऑफ u इज इक्वल टू जीरो होगा. ठीक है, तो 4u² + 8u इज इक्वल टू जीरो. चलो यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है तो देखो 4u कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या तो कि u प्लस 2 बचेगा बच्चों, u प्लस 2 बचेगा ना. फिर से 4u को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4u (u² + 4 = 8u हो गया. अब तो कि एक बार 4u इज इक्वल टू जीरो होगा और एक बार क्या होगा u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो होगा. u इज इक्वल टू 0/4 तो यहाँ पर u की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पर u इज इक्वल टू मिलेगा -2. ठीक है, यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2 + 2 से चला जाएगा तो -2 हुआ ना. अब यहाँ पर हमें नंबर्स ऑफ जीरोस मिल गए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ऑलरेडी पता है कि नंबर्स ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे. नंबर्स ऑफ जीरो तो मिल गए, एक को कहेंगे क्या तो कि एक को कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा क्यूब. तो कि हमें रिलेशन फाइंड करना है ना बच्चों, इसलिए. ठीक है, चलो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो दोनों का सम कितना होगा 0 0. अल्फा क्या हमारे पास 0 0 प्लस बी इज इक्वल टू क्योंकि बीटा इज इक्वल टू है -2 तो 0 ± -2 इज इक्वल टू आया हमारे पास -2. अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो कि -b/a तो पे माइनस का माइनस. बी क्या है तो कि बी हमारा कोफिशियंट है 8/a इज इक्वल टू 4. चलो यहाँ पर 4 के साथ कट करे तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा है -2. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिख सकते हैं. यस, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, इक्वल हो रही है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ये हमने जीरो से कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड किया. ये तो हमने क्या किया क्योंकि सम ऑफ जीरो के लिए देखा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए देखते हैं. चलो क्योंकि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करें हम तो कि अल्फा 0 है और बीटा क्या है तो कि -2. तो 0 × -2 क्या होगा तो कि 0 ही होगा ना बच्चों. ठीक है, अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो कि c/a. चलो c क्या है तो कि c है 0/a तो कि 0/4. 0/4 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 ही होगा ना. दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है. तो यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू हम c/a लिख सकते हैं. ठीक है, चलो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर इतना ही इजी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बताते हैं क्या दिया गया. देखो यहाँ पर हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है तो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c. x² के साथ जो दिया होगा उसको हम क्या कहेंगे तो कि a कहेंगे. यहाँ पर क्या है, वेरिएबल हमारे पास t है तो a इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 1. ठीक है बच्चों, अब तो कि x वाला टर्म, यहाँ पर तो t वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है तो जो टर्म नहीं दिख रहा है वहां पर क्या हो जाएगा तो कि कोफिशिएंट क्या होगा 0. तब भी यहाँ पर 0 × x 0 हो जाएगा ना, तभी नहीं दिया होगा. और कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर दिया गया है c = -15. ठीक है बच्चों, चलो अब मैं इसे हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसलिए.
अब यहाँ पर इसको हमें सोल्व करना होगा टी स्क्वेयर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो लेके, क्यों जीरो लेके, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल जो है टी स्क्वेयर माइनस 15 इसके जीरो फाइंड करने हैं, इसलिए पी ऑफ टी इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, और पी ऑफ टी के इक्वल हमारे पास है टी स्क्वेयर माइनस 15। अब टी स्क्वेयर का टी स्क्वेयर माइनस 15 इक्वल के उस साइड चला जाएगा बच्चों, तो क्या होने वाला है, तो कि 15 होने वाला है ना। तो अब t की वैल्यू यहाँ पर हमें दो मिलेगी, एक तो रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वेयर भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना बच्चों। देखो दोनों साइड स्क्वेयर करो तो t स्क्वेयर इज इक्वल टू 15, t स्क्वेयर इज इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो स्क्वेयर हटाने के बाद वो अपोजिट साइड क्या आने वाला है, प्लस और माइनस रूट, ठीक है। अब एक को हम क्या कह देंगे, तो कि एक को कह देंगे अल्फा, और एक को क्या कह देंगे, तो कि एक को कह देंगे बीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो कि कोफिशियंट ऑफ जीरो, कोफिशियंट एंड जीरो के बीच का रिलेशन फाइंड करने वाले है, ठीक है। चलो करते हैं, तो कि यहाँ पर सम ऑफ जीरो के लिए हम देखें तो अल्फा बीटा, तो कि दोनों का सम करें तो क्या होता है, अल्फा हमें दिया गया है रूट 15, ओके, यहाँ पर प्लस बीटा दिया गया है माइनस रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट 15 प्लस माइनस माइनस, चलो ठीक से देखते हैं, रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा जीरो, ठीक है। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो कि माइनस बी अपॉन ए, माइनस का माइनस ऐसे रखते हैं, अब बी क्या दिया गया है, तो बी दिया गया है हमें जीरो, जीरो अपॉन वन, क्योंकि जीरो अपॉन कोई भी वैल्यू कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी क्यों ना हो आंसर क्या आता है, क्योंकि तो जीरो ही आता है। देखो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल जीरो आया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल जीरो आया, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल आई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमने फर्स्ट रिलेशन फाइंड किया। चलो अब प्रोडक्ट, तो कि अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा करे तो कि रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 क्या होगा, तो कि यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 का स्क्वेयर हुआ ना बच्चों, क्योंकि रूट 15 का स्क्वेयर क्या होने वाला है, तो कि 15, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है माइनस 15। अब तो कि सी अपॉन ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए चेक करते हैं, सी इज इक्वल टू दिया गया है माइनस 15 और ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है वन, क्योंकि माइनस 15 अपॉन वन क्या होता है, बहुत इजी, चलो बोलो, क्योंकि माइनस 15 ही होता है। देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल क्या है, तो कि अल्फा बीटा और सी अपॉन है, तो दोनों यहाँ पर इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है हमें, 3x² - x - 4, यानी कि x² के साथ 3 है, यानी कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि x के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो कि -1 और c इज इक्वल टू है हमारे पास -4 कांस्टेंट टर्म, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करने वाले हैं, तो कि यहाँ पर 3x² - x - 4 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो, क्यों, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं इसलिए, ठीक है। अब जीरोस किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपको पता ही है इजीली, 4 3 क्या होगा 12, के हम फैक्टर निकालते हैं, चलो तो यहाँ पर 4 3 12 होगा, 6 2 12 होगा, और 12 1 12 होने वाला है, ठीक है। मिडिल साइन क्या है, तो कि माइनस, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको क्या कह देंगे, माइनस। अब माइनस माइनस क्या होगा, तो कि प्लस होने वाला है, ठीक है। चलो इसका सम देखो तो क्या होता है, -12 + 1 होता है -11, यूज नहीं करेंगे। इसका सम क्या होता है, क्योंकि -6 + 2 होगा -4, इसका यूज भी हम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो -4 + 3 होगा -1, इसका यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म हमें क्या लाना है, क्योंकि -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, तो कि 3x² - 4x - 4x + 3x + 3x और -4 का -4 इज इक्वल टू जीरो लिखा, ठीक है बच्चों। चलो अब ए हम रफ कर देते हैं,
और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर पहले दो टर्म जो है उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कि यस एक्स कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है एक्स ना, एक्स कॉमन निकलेगा तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो कि 3x-4। इसी तरह से सेकेंड 3x-4 में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कि यस मल्टीप्लाई में दोनों के साथ 1 तो होने वाला है ना, तो 1 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, तो कि 3x-4 = 0 का 0। ठीक है, अब तो कि यहाँ पर वो देखो और यहाँ पर देखो दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कि यस निकल रहा है क्या 3x-4, तो बचेगा क्या x+1 x+1 = 0। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट के इक्वल क्या हो जाएगा, तो कि 0, तो कि 3x-4 = 0 और x+1 = 0। यहाँ पर x को सब्जेक्ट बना दे तो कि -4 इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा +4 और x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो कहा जाएगा, तो कि इक्वल के उस साइड जो टर्म होगा उसके डिवाइड में x = हमें मिला 4/3 और यहाँ पर x = क्या मिलेगा -1। ये हमें क्या मिले तो पॉलीनोमियल के जीरोस मिले हमें। ठीक है, अब एक को हम क्या कह देंगे, तो कि एक को कह देंगे हम अल्फा और एक को कह देंगे हम बीटा क्यूब, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करना है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। ओके, दोनों का सम करें हम लोग, तो कि 4/3 + α/3 + β/3 तो कि -1, तो 4/3 + - क्या होगा -1, यानी कि यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कि 4-3 बन जाए क्या होगा, तो कि 3/3, तो यहाँ पर 4-3 यानी कि आएगा 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि -b/a होगा ना, चलो -b/a क्या होता है चेक करते हैं, तो कि माइनस का माइनस और b की वैल्यू है हमारे पास -1, चलो b की वैल्यू है -1/a, a इज इक्वल टू है हमारे पास 3, तो -- क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 1/3। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 है और -b/a की वैल्यू भी क्या है 1/3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये हमने सम ऑफ जीरोस और उसके बीच का कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड किया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी कि क्या होगा, तो कि अल्फा दिया गया 4/3, अल्फा दिया गया 4/3 एंड बीटा हमें दिया गया -1। देखो मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 4 - -1 होगा -4/3। ठीक है, अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -4/a, a की वैल्यू है 3। देखो यहाँ पर भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, ये हमने क्या किया, तो कि कोई पॉलीनोमियल दिया गया था, पॉलीनोमियल के जीरो फाइंड किए और जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच का If you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.